चीफ जस्टिस गाजी फाजीसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने 29 फरवरी को काउंसिल का इजलास तलब किया है। इजलास में मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने 29 फरवरी को काउंसिल का इजलास तलब किया है। चीफ जस्टिस गाजी फाजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इकरामुल्ला जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इकरामुल्ला बताइएगा इस मुताल्लिक। देखिए, चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने 29 फरवरी को काउंसिल का इजलास तलब किया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। गुज़िश्ता समाअत में यह फैसला किया गया था कि जो मुस्ताफी जज या फिर जो रिटायर्ड जज हैं उनके खिलाफ अगर कोई दरख्वास्त ज़ेर समाअत होती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उस पर कार्रवाई वो जारी रखेगा। और इस हवाले से अब जो है वो चीफ जस्टिस गाजी फाजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया है, जबकि 29 फरवरी को ये इजलास होगा जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। ठीक है इकरामुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका।